व व्हील ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट सेंटर हैज शोन इन फिगर टेन पॉइंट नाइन द स्ट्रिंग इज रेप ओवर इट्स रिम एंड पोल्ड बाई अ फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन इट इज़ फाउंड दट द टॉर प्रोड्यूस एंड एंगुलर एक्सलेन ऑफ टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन व्हील कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ़ द व्हील तो हमारे पास ये व्हील है इस पॉइंट से ये क्लैम्ड है और यहाँ पे फाइव न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो ठीक है अब इस फाइव न्यूटन के फोर्स को लगाने से क्या होता है कि जो ये व्हील है इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाता है तो ये टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करने लगती है जब क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग को पुल uh, किया जाता है ठीक है तो हमको पता लगाना है कि इस स्ट्रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तो मेरे को पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो हम रोटेशनल मोशन में लगा सकते हैं लॉ है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो उसी को हम रोटेशनल मोशन में लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमारे पास फोर्स uh, गिवन है तो फोर्स से मैं टॉर्क निकाल सकता हूं अब टॉर्क क्या होता है देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से आप क्या करो जो सेंटर ऑफ मास है ना जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है या मेरे को इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है ठीक है तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ठीक है इसको आप आगे पीछे कहीं पे भी कंटिन्यू कर सकते हो तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो कहां से एक्सेस ऑफ रोटेशन से तो जो लाइन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी उसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा आर और इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो टॉर्क आ जाएगा तो ये इसकी रेडियस ही है ठीक है ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ये इसकी रेडियस ही है इसकी तो हमने फाइव इन रेडियस कर दिया इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके इक्वल्स टू आई एल्फा एल्फा मेरे को गिवन था सॉल्व करेंगे ये हमारा फाइनल आंसर होगा थैंक यू सो मच